Hello everyone, welcome to Shri Rawatpura Sarkar University Raipur, presented by Gautami Devangan from Department of Civil Engineering. Today we discuss about testing of cement. Testing of cement, जब भी हम कोई सा भी material as a building material use करते हैं तो हम उसका testing हमारे लिए required होता है कि proper वो standard quality का grade का है या नहीं, इसके लिए हम इसका test करते हैं. तो basically two types of test हम conduct करते हैं. First one is field test and second is laboratory test. Field test ऐसे test जो आप site पे construction site पे जो हम test करते हैं वो हमारे फील्ड टेस्ट करते हैं जो हम नॉर्मल फील्ड में कर सकते हैं. लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जो हमारे लैब में हम जाके जो टेस्ट करते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, वो लैब टेस्ट कहलाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमको पढ़ना है फील्ड टेस्ट. तो फील्ड टेस्ट होते हैं आपकी कलर टेस्ट, टेक्सचर टेस्ट, लम्प टेस्ट, कूल टेस्ट, सिंकिंग टेस्ट और स्ट्रेंथ टेस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड टेस्ट की. तो फील्ड टेस्ट जो होता है, फील्ड टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो अप्रॉक्सीमेट हमको नॉर्मली हम फील्ड में बता सकते हैं कि सीमेंट जो हमारे साइट पे अवेलेबल है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कलर टेस्ट. तो कलर टेस्ट जो है, हम सीमेंट को यूनिफॉर्म जो कलर सीमेंट का कलर जो है वो यूनिफॉर्म ग्रे कलर होता है, ग्रीनिश ग्रे कलर का सीमेंट आपका होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे. अगर उसमें एक्सेस, अगर उसकी कलर में कोई भी चेंजेस आते हैं अदर देन ग्रीनिश ग्रे, ग्रीनिश शेड्स के अलावा अगर आपको अलग कोई शेड दिखता है तो या तो उसमें एक्सेस अमाउंट में लाइम ऐड किया गया है या फिर उसकी बर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा बर्न किया गया, डिग्री ऑफ बर्निंग मैक्सिमम है. तो ये चीज़ हमको इंडिकेशन पता चलता है. तो कलर आपका शुड बी यूनिफॉर्म होना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सचर टेस्ट. टेक्सचर की बात करते हैं, जब हम फिंगर और थंब और फिंगर के बीच में हम उसको रब करके देखते हैं, सीमेंट को रब करते हैं तो वो हमको फील, जब हम उसको करते हैं तो वो हमको स्मूथ लगना चाहिए. स्मूथ, बहुत स्मूथ फीलिंग होनी चाहिए जब हम सीमेंट को अपने फिंगर और थंब में के बीच में रब करते हैं. तो वहाँ पर आपको जो सीमेंट है वो स्मूथ फील होना चाहिए. तो ये आपका कहलाता है टेक्सचरल टेस्ट. अगर प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं किया है और आपको कोई सा भी ग्रेन फील हो रहा है कि उसमें ग्रेन अवेलेबल है तो वो आपका सीमेंट सही राइट क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होगा. नेक्स्ट होता है कूल टेस्ट, कूलिंग टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं. कूलिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो अपना हम हैंड को इंसर्ट करते हैं सीमेंट के बैग में, सीमेंट बैग में जब हम उसको इंसर्ट करते हैं तो हमें जो कूलिंग कूल फील होना चाहिए, ठंडा फील होना चाहिए. अगर वो कूल फील नहीं हो रहा है, ठंडा फील नहीं हो रहा है, मतलब आपका सीमेंट राइट क्वालिटी का नहीं है. ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट और हीट ऑफ हाइड्रेशन हमको कूल टेस्ट से पता चलता है. नेक्स्ट है आपका लंप टेस्ट. जो सीमेंट होता है, जो भी सीमेंट अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया है तो उसमें लम्प्स फॉर्म होते हैं. अब मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर हम सीमेंट के बैग को ओपन करके ही कुछ टाइम के लिए, सपोज़ 1 to 2 मिनट अगर हम उसको ऐसा ही एयर के कांटेक्ट में रख दें, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर छोड़ देते हैं तो उस केस में सीमेंट में लम्प्स क्रिएट हो जाते हैं, लम्प्स फॉर्म होने लगते हैं. तो ये जो लम्प्स होते हैं, लम्प्स सीमेंट हमारे लिए बिल्कुल भी यूजेबल नहीं होते, यूज़फुल नहीं होते हैं. तो यही चीज़ के सीमेंट का हम टेस्ट करते हैं कि प्रॉपर सीमेंट, अगर सीमेंट में लम्प्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. तो सबसे पहले जब हम लम्प टेस्ट करते हैं तो सीमेंट जो है वो लम्प्स में हार्ड लम्प्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज उसमें इंडिकेशन होता है कि मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट है. नेक्स्ट है आपका श्रिंकिंग टेस्ट. श्रिंकिंग टेस्ट जो है वो आप श्रिंकिंग टेस्ट को साउंडनेस टेस्ट भी हम कहते हैं. जब हम एक वाटर में कुछ अमाउंट का आप एक मुट्ठी सीमेंट लेते हैं और उसको आप थ्रो करते हो वाटर के बकेट ऑफ फुल वाटर में हम उसको प्लेस कर फेंकते हैं, थ्रोन करते हैं. थ्रोन करने पर जब सीमेंट अगर सडन ही श्रिंक कर जाता है तो हम उसकी, तो वो सही क्वालिटी का नहीं है. उसकी थोड़ी एक टाइम के बाद वो श्रिंक करे तो वो आपका प्रॉपर क्वालिटी ऑफ प्रॉपर बर्निंग, प्रॉपर मिक्सिंग एंड प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ इन्ग्रीडियंट शो करता है. तो ये स्टैंडर्ड सीमेंट होते हैं कि सीमेंट जब हम उसको, और इसके अलावा अगर सीमेंट का पेस्ट बनाया जाता है तो वो स्टिकी पेस्ट होना चाहिए. स्टिकी मतलब चिपचिपा, जो आपको बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे. आपको जैसा पता है कि सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल है, तो अगर वो स्टिकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा तो वो, तो सीमेंट में जो बाइंडनेस की क्वालिटी है वो नहीं आएगी. तो ये चीज़ था, ये हमारा था आज हमारा फील्ड टेस्ट, जिसमें हमने
कलर टेस्ट पढ़ा, कूल टेस्ट पढ़ा, टेक्सचर टेस्ट पढ़ा, लम टेस्ट, सिंकिंग टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।